Hello everyone, I Utkasha Singh, Department of Electrical Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. Students, today we are going to learn about electrical accident. On previous video, you have learned about safety practices, i.e., rule for safety and a safety symbol. Learning outcome. After watching this video, you will be able to learn that what is accident.

उसको हम इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट कहते हैं ठीक है अब वो फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन हो ट्रांसमिशन सिस्टम हो या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू हो लेकिन अगर भी किसी भी पर्सन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो पर्सन उस कांटेक्ट में आता है तो उसे हम इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट कहेंगे जब उसे उस चीज़ से या तो वो हार्म होंगे या तो इंजर्ड होंगे या तो फिर उनकी डेथ हो सकती है ठीक है अगर कोई पर्सन इलेक्ट्रिकल पोल पे वर्क कर रहा है फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर एंड ही फॉल्स डाउन वो गिर जाता है गिर जाते हैं एंड ही गॉट इंजर्ड उनको चोट लग जाती है तो भी इसे हम इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट ही कहेंगे इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट जो होता है जनरली वो केयरलेसनेस की वजह से होता है क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी केयरलेस हुए तो यू कैन फॉल डाउन फ्रॉम द पोल या आप कुछ मेंटेनेंस या आप कोई वर्क कर रहे हो वहाँ से अगर आप गिर गए या फिर आपकी केयरलेसनेस के वजह से वहाँ पे आग लग गई या फिर आपको शॉक लग गया आपने प्रॉपरली सेफ्टी नहीं पहन रखा है तो उसको उससे इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट क्रिएट हो सकता है तो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हम किसी भी प्रकार का केयरलेसनेस आपका जब आप किसी किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या मशीन पर काम कर रहे हो तब जो भी एक्सीडेंट होता है उसे हम इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट कहते हैं ना वॉट आर द कॉजेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट सबसे पहले पर्सन टचेज लाइव वायर अगर कोई पर्सन लाइव वायर टच करता है एंड उसमें से करंट फ्लो हो रहा है एंड यू डोंट नो अबाउट दैट कि उसमें से करंट फ्लो हो रहा है देन इट कैन कॉज इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट सेकेंड कोई भी मशीन या कोई भी इक्विपमेंट का मेटल फ्रेम हमें जस्ट ऐसे ही टच नहीं कर लेना चाहिए जब तक कि आपको ये नहीं पता कि वो उसमें सप्लाई है कि नहीं है वो अर्थ अर्थिंग दी गई है कि नहीं है तब तक आप उसे मत छो उसको उससे भी इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट कॉज हो सकता है अगर किसी भी ट्रांसफॉर्मर में हाई वोल्टेज वाइंडिंग है एंड उसे आपने शॉर्ट किया हुआ है शॉर्ट इट टू लो वोल्टेज वाइंडिंग आपने उसकी लो वोल्टेज वाइंडिंग को शॉर्ट किया हुआ है तो हो सकता है कि उन दोनों में बिटवीन लो वाइंडिंग एंड कोर वहाँ पर एक आपका जो इंसुलेशन है वो डैमेज हो सकता है दैट ऑल्सो कैन इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट जब भी किसी वायर uh, में है ना फॉल्ट आता है तो वहाँ पे स्पार्क आता है इलेक्ट्रिकल स्पार्क ऑफ एन आर्क है ना तब वहाँ पे जितने भी उसके पार्ट्स लगे होते हैं इलेक्ट्रिकल पार्ट्स वो ओवर हीट हो के भी डैमेज हो सकते हैं वहाँ पे फायर लग सकती है लूज़ जम्पर जो हम लोग जम्पर लगाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे उसको कनेक्ट करने के लिए अगर वो भी प्रॉपरली टाइट नहीं है तो उससे भी इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हो सकता है इंसुलेशन का डैमेज होना अगर आपके इंसुलेशन की वायर जल गई है या बहुत पतली है और आप उसमें से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर रहे हो है ना सप्लाई दे रहे हो ज़्यादा एंड वो डैमेज होगी क्योंकि उसने उसके अंदर इतनी वित्त स्टैंड करने की नहीं है तो आपका जो इंसुलेशन है वो डैमेज हो सकता है तो उसके वजह से भी इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हो सकता है ऑपरेटिंग स्विच फ्रॉम वेट हैंड अगर आप गीले हाथ से किसी भी स्विच को ऑपरेट करते हो तो इट कैन कॉज डैमेज एंड कैन क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज अग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू डू ऑन डू नॉट फॉर सब स्टेशन ऑपरेटर अब आपको क्या नहीं और क्या करना चाहिए ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये हर बार आता है ठीक है so, सो सबसे पहले क्या करना चाहिए डू प्लीज साइन मैन वर्किंग और अ वर्किंग बोर्ड जब भी आप कहीं पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको एक साइन बोर्ड लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वहाँ पे कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे और अगर वो वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट या लाइव काम चल रहा है जहाँ वहाँ पे को किस किसी भी तरह का एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए इसीलिए हमेशा वार्निंग बोर्ड्स लगाना बहुत ज़रूरी है डोंट डू नॉट क्लोज़ एनी स्विच कोई भी ऐसा स्विच आपको नहीं छूना है या आपको बंद क्लोज मतलब सर्किट क्लोज हा डू नॉट क्लोज एनी स्विच अनलेस यू आर फैमिलियर जब तक कि आपको ये नहीं पता है कि उस स्विच का क्या काम है तब तक उसको नहीं टच करना है ठीक है मेक श्योर दैट कंट्रोलिंग स्विच आर ओपन एंड लॉक्ड और फ्यूज होल्डर विद अगर आप कोई भी स्विच कोई भी स्विच को आप टच कर रहे हो तो मेक श्योर sure कि या तो वो स्विच ओपन है मतलब कि या तो वो स्विच में कोई किसी तरह का सप्लाई सोर्स नहीं है या तो वो लॉकड है या तो फिर जो मेन सप्लाई है वहां का फ्यूज होल्डर निकाला गया हो, ठीक है डू नॉट टच एनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अन्लिस यू मेक श्योर इट इज डेड और अर्थ सम पढ़ने से समझ में आ रहा है कि हमेशा इस चीज़ का हमेशा एश्योरेंस रखो कि जो भी आप चीज़ छू रहे हो या तो वो बंद हो या तो फिर वो प्रॉपरली अर्थ हो क्योंकि होता यह है कि कभी कभार प्रॉपरली अर्थिंग होने के वजह के बाद भी अर्थिंग किस कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से बिकॉज ऑफ एजिंग मतलब बहुत साल से है, है ना और उसके अर्थिंग में कुछ प्रॉब्लम है तो तो भी हो सकता है कि आपको शॉक लगे तो इसीलिए इट्स इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि अगर उसका सप्लाई बंद है तभी आप उसको टच करो ऑलवेज ऑलवेज ट्रीट सर्किट एज अ लाइव अंटिल यू प्रूव देम टू बी डेड ऑब्वियसली हमेशा हर एक अप्लाइंसिस और मनी मशीन को आपको एज अ लाइव कंसिडर करना चाहिए जब तक कि आपको नहीं पता है कि वो प्रॉपरली स्विच्ड ऑफ है किसी भी लाइव सर्किट पे काम नहीं करना है जब तक कि आपको ऑथराइज्ड पर्सन से ऑर्डर नहीं मिलता और आपने पूरा सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं लिया है मतलब आपके पास प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए उस पर वर्क करने के लिए हमेशा ये हैबिट डालनी है कि जब भी आप वेल्डिंग कर रहे हो और वहाँ पे फ्लैश आती है या आग जनरेट हो रहा होता है स्पार्क आ रहा होता है तब आपके फेस हमेशा उसके दूसरे अपोजिट तरफ होना चाहिए मतलब जस्ट अपोजिट टू दैट ताकि आपके फेस पर वो स्पार्क ना आए क्योंकि इफ़ दैट स्पार्क हिट्स योर आइज अगर वो आपकी आँखों में पड़ी तो आपकी आँखों में बहुत इरिटेशन होगा ठीक है तो डू नॉट एक्सपोज योर आइज टू एन इलेक्ट्रिकल आर्क क्योंकि उससे आपको पेनफुल इंजरी हो सकती है हमेशा जो भी रबर ग्लव्स पहनते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपने देखा होगा जब भी रिपेयर मेंटेनेंस के लिए आते हैं तो उनके हाथ में रबर ग्लव्स होता है तो उसको हमेशा पीरियडिकली टेस्ट करते रहना चाहिए कि वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट क्योंकि कभी होता है कि ज़्यादा यूज़ करने की वजह से उसमें होल्स आ सकते हैं या तो फिर वो थोड़ा सा लेयर उसकी कम हो सकती है तो आपको अगर आपने उसको प्रॉपरली चेक नहीं किया तो आप पता चला कि आप वहाँ वर्क करने गए हो और उसमें होल है या वो उसमें स्क्रैच आ गया है तो आपको शॉक लग सकता है ठीक है कभी भी मेटल कैश जो केस होता है मेटल केस है ना फ्लैश लाइट का उसको उससे थोड़ा सा दूर ही रहें क्यों क्योंकि डू नॉट यूज़ मेटल कैश फ्लैश लाइट फ्लैश लाइट अराउंड द एपरेटेज विच इज़ एनर्जाइज क्योंकि वो एनर्जाइज हो जाती है ठीक है हमेशा कहीं पे भी काम करने से पहले मेक श्योर sure कि आपका पूरा कनेक्शन जो भी वहाँ पे ऑलरेडी है या आपने वो कनेक्शन किया है वो प्रॉपर हो क्योंकि हमने प्रैक्टिकल्स में भी देखा है कि अगर कनेक्शन प्रॉपर नहीं हो या कनेक्शन गलती से कहीं और लग गया तो वहाँ पे बहुत बड़ा स्पार्क हो सकता है या फिर इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो सकती है तो मेक श्योर दैट डोंट डिस्कनेक्ट अर्थिंग कनेक्शन और द सेफ्टी गैजेट इंस्टॉल्ड ऑन मेन और ऑपरेटर आपका जो मेन सप्लाई है या आपका जो जो भी सप्लाई सोर्स है जो आपका सर्किट है कभी भी उसका अर्थ कनेक्शन नहीं डिस्कनेक्ट करना चाहिए क्योंकि अगर अर्थ कनेक्शन डिस्कनेक्ट किया तो उससे आपको शॉक लग सकता है सो दिज आर द डू एंड डोंट फॉर द सब स्टेशन ऑपरेटर ठीक है Summary that you have learned in this video about electrical accident, causes of electrical accident, and safety of electrical accident. PO map here PO 1, 2, 3, and PSO 1. Next video will be on electrical shock. Thank you.